जय श्री श्याम। उम्मीद करती हूँ आप और आपका परिवार स्वस्थ और कुशल मंगल होगा। बाबा श्याम की कृपा सदा आप सभी श्याम भक्तों पर बनी रहे। आज की इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं कि बाबा श्याम को लगाई गई अरदास कितने दिनों में पूरी हो जाती है, और अगर हमने पहले कोई अरदास लगाई हुई है तो क्या हम उस अरदास को दोबारा लगा सकते हैं, या हमें अरदास कितनी बार लगानी चाहिए, तब जानने के लिए इस वीडियो के अंत तक बने रहें। खाटू श्याम बाबा तो हारे के सहारे हैं। बाबा श्याम ने न जाने कितने लोगों की जिंदगी बदल दी है, न जाने कितने भक्तों की मात्र 24 घंटे में ही अरदास पूरी की है। आपको अपनी अरदास लिखते समय पूर्ण विश्वास और श्रद्धा होनी चाहिए, और अरदास लिखते समय मन नहीं भटकना चाहिए, और मन में ये विचार नहीं होना चाहिए कि मेरी अरदास पूरी होगी भी या नहीं। अरदास लिख तो रहा हूँ, पूरी होगी भी या नहीं, दुनिया झूठ बोलती है या सच, चलो फिर भी एक बार लिख कर देख लेता हूँ, मेरा क्या जा रहा है, ये सब गलत बात है, फिर आपको अरदास नहीं लिखनी चाहिए। बस आपको अपनी अरदास लिखते समय सिर्फ विनती करनी चाहिए सच्चे मन और विश्वास के साथ। आपको बोलना चाहिए, मेरे खाटू वाले बाबा श्याम, आपको मेरी अरदास पूरी करनी ही होगी, मैं हार गया हूँ, मेरे पास अब तेरे अलावा और कोई रास्ता नहीं है, अब बस तेरे से ही आस है, और बाबा आपके पास भी और कोई रास्ता नहीं है, और आपको मेरी अरदास पूरी करनी ही पड़ेगी। बाबा श्याम से ये विनती करो, हे खाटू वाले बाबा श्याम, मेरी लाज आपके हाथ में है, अगर मेरी लाज गई तो तेरी लाज गई। अगर आपने अरदास लगाई है तो आपको पूर्ण विश्वास होना चाहिए, बस ये विश्वास मन में रखना है कि मेरी अरदास 100% पूरी होगी। अगर आपको ये विश्वास है तो आपकी अरदास तुरंत पूरी होगी। कब तक पूर्ण होगी? केवल 24 घंटे में होगी, अगले 15 दिन में होगी, एक महीने में होगी, दो महीने में होगी, पूरी जरूर होगी। पर ध्यान रखना है, पूर्ण विश्वास के साथ आपको अपनी अरदास लगानी होगी। एक साथ हम कितनी अरदास लगा सकते हैं? एक साथ हम केवल एक ही अरदास लगा सकते हैं। कोई भी अपनी एक मनोकामना हमें एक बार ही बताई जाती है। ऐसा नहीं है कि आप अपनी मनोकामनाओं की लिस्ट बाबा को लिख कर दे दें, ऐसे आपकी कोई भी अरदास पूरी नहीं होगी। एक टाइम पर मात्र एक अरदास लिखनी है, और आपको अरदास कैसे लिखनी है वो हमने पहले वीडियो अपने चैनल पर डाल रखी है, और इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी डाल रखा है, आप जाकर वहां पर वीडियो को देख सकते हैं। उम्मीद करती हूँ इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा, जय श्री श्याम।